व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेथड की जो बुक है एसएम यूसुफ की, इसकी एक्सरसाइज 10.1 जो होमोजीनियस इक्वेशंस होंगी, जिसमें ये लास्ट पे डिग्री इनकी ज़ीरो होती है, इस वजह से हम इनको होमोजीनियस कहते हैं, इक्वेशन इक्वल टू ज़ीरो होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन गिवन है ये है 75d² + 50d + 12। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे, y को हम ख़त्म कर देंगे और इक्वल टू जीरो लिख लिया। अब यहाँ पे इसे प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर 1 किया उसमें वो 9d² - 12d + 4 था, उसके फैक्टर्स बन गए थे इजीली 6, 6 = 36 और 6 और 6 = 12। बट इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो a की वैल्यू 75, b की 50, c की वैल्यू आ गई 12, तो d इज इक्वल टू -b + -a। क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पता होगा b² - 4ac/2a। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू -50 और b का स्क्वायर मींस 50 का स्क्वायर -4ac और a की वैल्यू 75 और c की वैल्यू 12 c की वैल्यू 12/2a। तो a की वैल्यू 75। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ तक जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट कर ली, अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो -50 + -50 का स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2500 माइनस 75 को 12 से जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आ रही है ये है 3600। आप कैलकुलेट करके साथ साथ इसको चेक भी कर लें, मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका आंसर आ गया 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अब इसको लिख सकते हैं -50 + -, करेंगे तो आंसर आएगा 2500 में से 3600 -1100/150। अब 1100 को हम स्क्वायर रूट में है तो इसको लिख सकते हैं -50 + -10√-11, क्योंकि 100 बनता है ना 111 जार, तो 100 को स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे तो वो 10 हो जाएगा और स्क्वायर रूट -11/150। ये फॉर्म आ गई। अब इन दोनों में से 10 कॉमन लिया जा सकता है, 10 और 50 में से, तो दोनों वैल्यूज में से 10 कॉमन, यहाँ पे -50 है, 10 कॉमन आ गया, तो 10 5 जार और +√-11/ यहाँ पे 150। अगर हम इसको कटिंग करें, कैंसिल आउट करें, एक ज़ीरो ही ज़ीरो से काट देते हैं तो बाकी ये वैल्यू बच गई। अब इसको लिख सकते हैं -5 + -√-11/15 है, तो 15 इसके साथ भी डिवाइड होगा और 15 इसके साथ भी डिवाइड होगा, दोनों पे सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो 5 3 = 15, तो -1/3 और प्लस और स्केयर रूट। अब यहाँ पे स्केयर रूट के साथ माइनस, स्केयर रूट जो माइनस है -1 बनता है, इसको हम आयोटा लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 15, ये आंसर आ गया। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आंसर है रूट्स इमेजिनरी हैं, तो इमेजिनरी रूट्स हों तो इनका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, रूट्स इमेजिनरी हैं तो इनका जनरल सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे प्रीवियस में इन तमाम केसेस जो इसके 4 केस थे, इमेजिनरी रूट्स हों, रिपीटेड हों, इक्वल हों, तो इनका सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन, इसमें जस्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब रूट्स इमेजिनरी हों तो इसका जनरल सोल्यूशन होता है, ये आपने याद रख करना है, y = e^(α(x)c1cos βx + c2sin βx। तो अब यहाँ पे जो सोल्यूशन बन रहा है हमारा, इसका सोल्यूशन होगा, रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं, तो सोल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका, y = e^(α(x), तो e^(α(x) की जगह आ जाएगा, अब अल्फा ये फर्स्ट वाला, बीटा इसमें ये वाली वैल्यू होगी इमेजिनरी, तो -1/3x, इसके बाद c1cos βx, तो c1cos β। अब बीटा की वैल्यू ये होगी √11/15, तो √11/15x cos βx + c2 + c2 sin βx,
तो साइन बीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 11/15 और 7x, तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट पे सोल्यूशन इस फॉर्म में लिख लेना है, सी वन कोस, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट 11 लिखा है, स्क्वायर रूट 11/15x प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, स्क्वायर रूट 11/15। ये था जनरल सोल्यूशन, जब रूट्स इमेजिनरी हो तो बस इसमें वैल्यू पुट की है। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की जगह स्क्वायर रूट 11/15 और यहाँ पे बीटा की जगह स्क्वायर रूट 11/15, बस इसमें वैल्यू पुट कर दिया है। अल्फा शो कर रहा है रियल पार्ट को, बीटा शो कर रहा है इसमें इमेजिनरी पार्ट को।